राधे राधे, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं आपके साथ पंडित विशाल शास्त्री। आज का विषय है, आज के अध्याय में चर्चा करने वाले हैं अंकों का रहस्य, यानी अंकों से संबंधित ग्रह, उनके बार और उनसे संबंधित जो रत्न हैं उनके विषय में आज का वीडियो रहने वाला है कि कौन सा अंक आपके लिए प्रभावी है और उस अंक से संबंधित कौन सा ग्रह है, कौन सा वार अच्छा है आपके लिए, कौन सा रंग आपके लिए सर्वोत्तम कहा जाएगा और कौन सा रत्न पहनने से आप अपने भाग्य को बढ़ा सकते हैं, आप उस अंक से संबंधित ऊर्जाओं में वृद्धि कर सकते हैं, इस विषय में आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं आरंभ। सूर्य ग्रह के विषय में, सूर्य जो जीवन का आधार है और उसके लिए नंबर भी बहुत ही स्पेशल चुना गया है, एक नंबर। एक नंबर यदि आपका मूलांक बनता है तो आपके जो निमित्त है भगवान सूर्यदेव की आराधना श्रेष्ठ रहने वाली। यदि आप सूर्यदेव की आराधना करते हैं, उनकी ऊर्जाओं को प्राप्त करते हैं, तो आप देखेंगे आपके जीवन में एक अलग आनंद का अनुभव आप अपने जीवन में करेंगे। तो एक नंबर सूर्य के अंतर्गत आता है, यानी सूर्यदेव का जो अंक कहा जाता है मूलांक, वह एक नंबर है। तो सूर्य की जो सारी ऊर्जाएं हैं वह एक नंबर के अंदर समाहित हैं। यदि आप सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या आपका मूलांक एक नंबर बनना है, तो आप कहीं ना कहीं जो है सरकारी क्षेत्र से जुड़कर रहने वाले हैं, क्योंकि सूर्य आपको अपनी ऊर्जाएं प्रदान कर रहे हैं, सूर्य की ऊर्जा आपको प्राप्त हो रही है, आपको ऐसा मानना चाहिए, क्योंकि एक नंबर आपका मूलांक बनना है। तो सूर्य देवता आपके जो हैं इष्ट भी हुए हैं और आपके अंक के देवता हुए हैं। रविवार आपके लिए सबसे उत्तम और सबसे बेस्ट जो दिन है वह रहने वाला है। तो रविवार से संबंधित यानी एक नंबर से संबंधित जो रंग है, नारंगी या गुलाबी, आप इन दो रंगों का प्रयोग जीवन में अधिक से अधिक करें। कोई आप कार ले रहे हैं, कोई वाहन ले रहे हैं, घर के अंदर प्रयोग आप कर रहे हैं या कुछ वस्त्र इत्यादि आप पहनते हैं, तो इन दो रंगों का प्रयोग आप सबसे अधिक करें तो आपको जीवन में लाभ प्राप्त होगा। चलिए जानते हैं सूर्य से संबंधित जो रत्न है। अगर सूर्य से संबंधित आप रत्न यानी माणिक्य धारण करना चाहते हैं तो वह एक नंबर के अंतर्गत आता है, यानी एक नंबर मूलांक वाले जो व्यक्ति हैं माणिक्य धारण कर सकते हैं। सूर्य से संबंधित रत्न या उपरत्न धारण करके अपने जीवन में सूर्य की ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं, एक नंबर की ऊर्जा में वृद्धि करके और जीवन का अच्छा आनंद ले सकते हैं। चलिए आगे चर्चा करते हैं दो मूलांक वाले लोगों के विषय में। मूलांक दो वाले जो मनुष्य हैं, जो जातक हैं, ऐसे जातकों के जीवन में चंद्रदेव का बहुत अधिक प्रभाव कहा जाता है। चंद्रदेव यानी कि शीतलता, सौम्यता, सुंदरता, तो ये चंद्रदेव के अंतर्गत आती है। तो इनके निमित्त जो वार कहा गया है सोमवार, तो जिन जातकों का मूलांक दो बन रहा है तो ऐसे लोगों के ऊपर चंद्रदेव की विशेष कृपा है और उनसे संबंधित जो वार है सोमवार, तो सोमवार में शिव की आराधना कर सकते हैं, सोमवार को लेकर अपने अच्छे डिसीजन ले सकते हैं। कोई भी अच्छा कार्य करना है तो सोमवार को करें, क्योंकि आपका मूलांक दो बन रहा है। और इससे संबंधित जो रंग बनते हैं सफ़ेद या दूधिया रंग जो होता है, उस रंग का प्रयोग आप अपने जीवन में अधिक करें, यानी कोई वाहन लेना है, कोई घर लेना है या कुछ भी चीज़ आप शरीर पर धारण करते हैं, जैसे वस्त्र इत्यादि पहनते हैं, तो सफ़ेद या दूधिया रंग का प्रयोग करते हैं तो दो नंबर की जो एनर्जी, दो नंबर की जो ऊर्जा है आपको अधिक प्राप्त होगी। तो दो नंबर से जो संबंधित रत्न कहा गया, दो नंबर से संबंधित जो रत्न कहा गया है मोती कहा गया है शास्त्रों में। अंक शास्त्र के अनुसार आप मोती को धारण करें या चंद्रमा से संबंधित जो उपरत्न है उसको भी आप धारण करके अपने जीवन में चंद्र की ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं और अच्छा लाभ ले सकते हैं, जिससे आपके जीवन में धन धान्य आदि की वृद्धि होगी और सुख सुविधाओं में आपके वृद्धि होगी, आनंद की प्राप्ति होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं तीन नंबर के विषय में। जिन जातकों का मूलांक तीन नंबर है तो ऐसे लोगों के जीवन में देवगुरु बृहस्पति की बड़ी विशेष अनुकंपा देखने को प्राप्त होती है। देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में अध्यात्म को बढ़ाने वाले हैं, आपकी बुद्धि का विकास करने वाले हैं और समाज में आपको गुरु के रूप में सम्मानित होने का अवसर भी प्राप्त होता है। ऐसा तीन नंबर का जिनका मूलांक बनता है, ऐसे लोगों के जीवन में ऐसी ऊर्जाओं का प्रभाव रहता है, पूजनीय ऐसे लोग समाज में कहे जाते हैं। तो ऐसे लोगों के जीवन में गुरुवार की बड़ी विशेष महत्वता रहती है। जिनका मूलांक तीन नंबर बनना है ऐसे लोगों को गुरु से संबंधित उपासना, व्रत या गुरुवार के दिन अच्छे डिसीजन लेने से इनको जीवन में और अधिक लाभ प्राप्त होता है। ऐसे लोगों को जीवन में पीले रंग का बड़ा अधिक प्रयोग करना चाहिए। पीले रंग से संबंधित आप कोई वाहन इत्यादि लेते हैं
या भवन आदि का निर्माण करते हैं तो वहाँ पर आप पीले रंग का प्रयोग कर सकते हैं। वस्त्र आदि आप पहनते हैं तो पीले रंग का प्रयोग कर सकते हैं, और गुरुवार के दिन विशेष रूप से आपको पीला रंग धारण करना चाहिए। तो 3 नंबर की जो ऊर्जा है, देव गुरु बृहस्पति की जो ऊर्जा है, आपको प्राप्त होती रहेगी। और इनसे संबंधित जो रत्न कहा जाता है, पुखराज कहा जाता है, तो पुखराज को आप धारण करके 3 नंबर की ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं, या इसका कोई उपरत्न है तो उस उपरत्न को भी आप धारण करके 3 नंबर की ऊर्जा को बढ़ाकर और अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं 4 नंबर मूलांक वाले जातकों के विषय में। 4 नंबर, 4 नंबर राहु ग्रह को दिया गया है। मैं तो जिनका मूलांक 4 नंबर बनना है तो राहु की ऊर्जा उनके जीवन में अधिक देखने को प्राप्त होती है। तो 4 नंबर वाले जो जातक हैं, ऐसे जातकों के लिए रविवार का दिन बड़ा ही उत्तम कहा गया है। रविवार के दिन यदि कोई भी आप एक कार्य करते हैं, किसी भी चीज़ का, आप बिजनेस को लेकर, व्यापार को लेकर, या कोई भी नया कार्य आप आरंभ करना चाहते हैं, तो रविवार के दिन करें, जिससे आपको 4 नंबर की ऊर्जा का भी सहयोग प्राप्त होगा। और आपको जो प्रयोग करना चाहिए रंगों का, काला या नीला, अपने जीवन में काले और नीले रंग को आप सम्मिलित करते हैं तो आपको 4 नंबर से संबंधित ऊर्जा का प्रभाव देखने को मिलेगा, राहुदेव का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आपका मूलांक जब 4 बन रहा है। यदि कहीं से ऊर्जा खराब है 4 नंबर की, तो आप गोमेद को धारण करके या राहु के रत्न उपरत्न को धारण करके आप जीवन में 4 नंबर की ऊर्जा में वृद्धि कर सकते हैं, उसको शुभ कर सकते हैं, उसको सही कर सकते हैं, उसको पॉजिटिव कर सकते हैं, जिससे आपको जीवन में खूब अच्छा आनंद प्राप्त होगा और हर प्रकार से सुख वैभव आदि की आपको प्राप्ति होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं मूलांक 5 वालों के विषय में। जिनका मूलांक 5 बनता है, ऐसे जो व्यक्ति हैं, बुद्धि के बड़े कुशाग्र होते हैं, क्योंकि इनका जो ग्रह बनता है बुध ग्रह ही बनता है। वाणी के बड़े प्रधान होते हैं, वाणी से संपन्न होते हैं, मृदुभाषी ऐसे लोगों को कहा जाता है। तो 5 नंबर के अंतर्गत आने वाले जातकों के लिए बुधवार का दिन बड़ा ही श्रेष्ठ कहा जाता है। ऐसे जो जातक हैं, बुधवार को अपना कार्य किया करें। बुधवार से संबंधित जो भी आपके स्पेशल कार्य हैं, विशेष कार्य हैं, बुधवार को यदि करते हैं तो आपको बुध ग्रह से संबंधित ऊर्जा की प्राप्ति होगी, और साथ में आपका जो मूलांक बन रहा है 5, उसकी भी ऊर्जा आपके साथ रहेगी, जिससे आपका वह कार्य सिद्ध हो जाएगा। और आप रंग का प्रयोग करना चाहते हैं तो ग्रीन कलर यानी हरे रंग का प्रयोग करें जीवन में, वाहन में, भवन में, या शरीर पर वस्त्र आदि आप पहनते हैं, शरीर पर वस्त्र जो धारण करते हैं उसमें हरे रंग का प्रयोग कर सकते हैं। अधिक हरा नहीं कर सकते तो पॉकेट में आप रुमाल रख सकते हैं हरा, तो उसकी भी वही एनर्जी आपके लिए रहेगी। यदि 5 नंबर की पूरी ऊर्जा आपको प्राप्त नहीं हो रही तो बुध ग्रह से संबंधित आप पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं। पन्ना रत्न जब आप धारण करते हैं तो आपको 5 नंबर से संबंधित जो ऊर्जाएं हैं वह आपको प्राप्त होती हैं। चलिए आगे बढ़ते ही जानते हैं 6 नंबर के विषय में। जिनका मूलांक 6 बनता है, उनके लिए क्या क्या चीज़ें उत्तम रहने वाली। 6 नंबर मूलांक के अंतर्गत जो आते हैं वह शुक्रदेव के अधीन कहे। गुरु शुक्र की ऊर्जा उनके साथ हमेशा बनी रहती है। शुक्राचार्य गुण रहस्यों के ज्ञाता कहे जाते हैं। तो 6 नंबर के अंतर्गत जिनका मूलांक आता है, हर प्रकार के सुख वैभव से वह संपन्न लोग रहते हैं, और इनके लिए सर्वोत्तम जो वार कहा जाएगा शुक्रवार कहा जाता है। और इनको अपने जीवन में जो भी अच्छे डिसीजन लेने हैं शुक्रवार के दिन लेने चाहिए। और रंग का यदि ये प्रयोग करते हैं, सफ़ेद या नीला, 2 रंग इनके लिए बहुत ही शुभ कहे जाते हैं। सफ़ेद रंग का प्रयोग करते हैं तो बहुत उत्तम है, नीले रंग का प्रयोग करते हैं तो बहुत उत्तम कहा जाएगा। तो अपने जीवन में सफ़ेद और नीले रंग को सम्मिलित करें, और शुक्र की और अधिक पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त करने के लिए हीरा रत्न को इनको धारण करना चाहिए। हीरा रत्न को धारण करके ये शुक्र की ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं, या शुक्र से संबंधित जो उपरत्न हैं, ओपल इत्यादि, उनको भी धारण करके शुक्र की ऊर्जा में वृद्धि कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं मूलांक 7 के विषय में। मूलांक 7 केतु के अंतर्गत आता है। केतु की ऊर्जा 7 अंक के अंदर समाहित रहती है। केतु जीवन में हर प्रकार का सुख प्रदान करते हैं, यदि शुभ अवस्था में आपकी कुंडली में विद्यमान है। 7 नंबर की ऊर्जा आपको अच्छी प्राप्त हो रही तो केतु ही कहीं ना कहीं आपके जीवन के पीछे एक मजबूत रीढ़ की हड्डी की तरह कार्य करते हैं। केतु की ऊर्जा अच्छी प्राप्त करने के लिए सोमवार को कार्य आप आरंभ करें। अगर कोई नया कार्य आरंभ कर रहे हैं तो सोमवार को आपको करना चाहिए। और जो इनका रंग है वह मिश्रित रंग है, आप जो है
सभी रंगों का प्रयोग कर सकते हैं, इनके लिए ऐसा कहा गया है। मिश्रित वर्ण यानी कोई ऐसा वस्त्र है जिसमें कई कलर हो, तो उस वस्त्र को आप पहनते हैं तो बड़ा अच्छा रिजल्ट आपको देखने को प्राप्त होता है। मिश्रित इनका जो रंग है यानी हर रंग इनके अंदर समावेशित हो जाता है। केतु की और भी अच्छी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आप केतु से संबंधित जो रत्न है लहसुनिया उसको धारण कर सकते हैं, या केतु का जो उपरत्न है उसको भी आप धारण करके केतु की ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं, एक प्रबल कर सकते हैं, तो केतु की ऊर्जा आपको प्राप्त हो जाएगी, तो और भी अच्छा लाभ आपको जीवन में देखने को प्राप्त होगा। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, जानते हैं मूलांक 8 के विषय में। 8 नंबर से बड़े लोग भयभीत रहते हैं, क्योंकि नंबर किसका है? भगवान शनिदेव का। 8 नंबर भगवान शनिदेव का कहा जाता है, और जीवन में कहीं ना कहीं आपको जब न्याय की आवश्यकता होती है तो भगवान शनिदेव ही आपके काम आते हैं, तो भयभीत नहीं होना चाहिए। जबकि शनिदेव जो है आपके अनुकूल ग्रह हैं, आपको न्याय प्रदान करने वाले हैं। यदि अच्छे कर्म हैं तो अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, गलत हैं तो आपको दंड भी वह प्रदान करेंगे, तो इसलिए अच्छे आप कर्म करेंगे तो आपको डरना नहीं चाहिए। 8 नंबर की ऊर्जा यदि आपके जीवन में चल रही है, यानी मूलांक आपका 8 बना है, तो शनिदेव की कृपा निश्चय ही आपके ऊपर होगी। उसको यदि शुभ करना चाहते हैं तो आप शनिवार को अपने कार्यों को अधिक से अधिक आरंभ करें, या कोई भी शुभ कार्य करना चाहते हैं तो शनिवार के दिन करें, और अपने जीवन में काले या नीले रंग का प्रयोग आप अधिक से अधिक करें। और यदि शनि से संबंधित ऊर्जा आपको सही प्रकार से ऊर्जा प्रदान नहीं कर रहे हैं, तो आपको शनिदेव से संबंधित नीलम रत्न को धारण करना चाहिए, जिससे आपको शनि से संबंधित जो ऊर्जाएं हैं वह सकारात्मक रूप में, पॉजिटिव रूप में आपको प्राप्त होंगी, और 8 नंबर की जो ऊर्जा है आपके साथ बहुत ही उत्तम तरीके से, बहुत ही प्रबल तरीके से कार्य करेगी, और आपको जमीन से लेकर आसमान तक पहुंचाने का ये कार्य करता है नंबर 8। तो 8 का प्रभाव बड़ा ही जीवन में बहुत उत्तम कहा गया है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी अष्टमी को ही हुआ था, तिथि अष्टमी, तो 8 अंक का प्रभाव उनके जीवन में रहा, क्योंकि न्याय उन्होंने अपने जीवन में किया है अवतार को धारण करके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं मूलांक 9 के विषय में। मूलांक 9 ऊर्जा से संपन्न है, क्योंकि ये नंबर है मंगल ग्रह के अंतर्गत, मंगल ग्रह इस अंक के स्वामी कहे गए हैं, तो 9 नंबर वाले जो जातक हैं पराक्रम से संपन्न कहे जाते हैं, तो जीवन में हर कुछ बल के बदौलत हासिल करना चाहते हैं, पराक्रम से, परिश्रम से ये अर्जित करना चाहते हैं। तो ऐसे जो जातक है जिनका मूलांक 9 बन रहा है, तो ऐसे जातकों के जीवन में मंगल ग्रह का प्रभाव बहुत ही अधिक कहा जाता है। तो ऐसे जो लोग हैं उनको अपना जो कार्य है अधिक से अधिक मंगलवार को करना चाहिए। इनके जीवन में जो रंग उत्तम रहने वाला है वह लाल है, या नारंगी रंग इनके जीवन में बहुत उत्तम रहने वाला है, मंगल ग्रह से संबंधित ये रंग कहा जाता है। जीवन में यदि 9 नंबर की ऊर्जा सही रूप से प्राप्त नहीं हो रही, तो आप मंगल का जो रत्न है मूंगा धारण कर सकते हैं, या मंगल का उपरत्न भी आप धारण करके उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में इस प्रकार से अंकों का रहस्य है, उनसे संबंधित ग्रहों का प्रभाव है, बार और रंगों का प्रभाव है। मूलांक से हम बहुत हद तक अपने जीवन में सुधार कर सकते हैं, अच्छी ऊर्जाओं को प्राप्त कर सकते हैं, और जो भी कष्ट हैं, दुख प्राप्त हो रहे हैं, उनमें हम सुधार करके सुखों की वृद्धि कर सकते हैं, आनंद की वृद्धि कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अंकों का रहस्य है। और भी ज्ञानप्रद वीडियो के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करें। आनंदित रहिए, प्रसन्न रहिए। श्री राधे कृष्णा।